प्यारे बच्चों, अब तक हमने पाठ दो तुलसीदास पढ़ लिया है, एक कबीर और तुलसीदास पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेनापति। सेनापति मुख्यतः रीतिकाल जो 1700 से 1900 का समय रहा है, उस रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीतिकाल वैसे भी श्रृंगारिक काव्यधारा से संबंधित था कि वहाँ श्रृंगार ही मुख्यतः रही, परंतु रीतिकाल ने अपने परंतु सेनापति ने अपने जो परिपाटी चल रही थी उससे भिन्न प्रकृति को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा काव्य रचना की है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्री परिवार में विक्रम संवत 1616 में हुआ। इनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम। पिता का नाम गंगाधर और पितामह यानी दादा का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। ये बहुत ही आत्मविश्वासी थे और अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने खुद ने कहा है, सेनापति सोई सेनापति के प्रसाद जा सीतापति के प्रसाद जाकी, अब कवि कान दे सुनत कविताई है। कि सीतापति का प्रसाद इनको मिलता रहा है, राम जी के प्रसाद के बारे में कह रहे हैं ये, इसलिए सारे कवि अब कान दें कि ये अब सेनापति की कविता को सुने। ये रीतिकाल के महान एवं भाव प्रवण कवि माने जाते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से युगीन कवियों में वे सेनापति की भांति है। कि काव्य कला और मौलिकता इनके काव्य में बहुत अच्छी रही है। काव्य कला और मौलिकता की दृष्टि से ये युगीन जो कवि थे उनमें सेनापति की भांति थे। सेनापति राम भक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग से में वे सिद्ध हस्त है। श्लेष अलंकार जानते हैं आप, एक ही शब्द में अनेक अर्थों का चिपकना। श्लेष अर्थ होता है चिपकना, यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों, तो उस श्लेष अलंकार में ये सिद्ध हस्त थे। उन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है, काव्य कल्पद्रुम तथा कवित्र रत्नाकर। ये इनकी मुख्यतः दो रचनाएं हैं, काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, यानी पूर्णतः प्राप्त नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया है। अलंकार संप्रदाय संबंधित है, हमारे 6 संप्रदाय हैं, अलंकार संप्रदाय, छंद संप्रदाय, रस संप्रदाय, ध्वनि, इस तरह से वक्रोक्ति, तो उसमें ये अलंकार संप्रदाय का अनुसरण इन्होंने किया है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और औज गुण की प्रधानता भी है। परिमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गंभीर उनके काव्य की विशेषता है। आपको जिस प्रकार मैंने पहले बताया था दोनों पाठों का, उसी प्रकार इसको भी लिखना है स्वतः ही। अब है पाठ परिचय। इस पाठ में क्या आया है, यहाँ प्रस्तुत कविता सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। उसमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादानों और उसके लक्षण का उपयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में पिरोया गया है। कवि ने ऋतु वसंत का सूक्ष्मता पूर्वक मानवीकरण किया है। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल की वस्तुओं एवं भावनाओं से बुना गया है। रंगीन उपवन सुगंधमय है। कोकिल चारण की भूमिका में पदगान कर रही है। शोभा के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि राजा एकाकी गमन नहीं करता है। इसी तरह भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति जब वर्षा ऋतु की बूंदें पड़ती है तो धरती नयनाभिराम, शब्द देखिए आप इनके, नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है।
मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूब कर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। शीत ऋतु की आक्रामकता को सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ गया है। अलाव की आग को घेर कर जनसमुदाय ठिठुर रहे हैं। दहशत समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति की को कालजयी कवि बनाता है। कालजयी यानी जो उस समय को जीत ले, उस काल को जीतने वाला कवि बनाता है। अब है ऋतु, तो यहाँ बैठ तो। हाँ अब हम पढ़ते हैं सेनापति का ऋतु वर्णन। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लही तू है। बंदी जिमी बोलत विरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गह गही यतु है। यहाँ पर कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से इसको लिया गया है। इसमें बसंत ऋतु को एक राजा मानकर और मानकर ऋतुराज और ऋतुओं का राजा नाम से उसको सार्थक बतलाया है कि राजा के आसपास या उसके साथ साथ क्या क्या होता है, कैसी कैसी सेनाएं चलती है। इसमें ये कह रहे हैं बरन बरन तरु फूले उपवन वन, कि हर एक पत्ती पर फूल, मतलब सारे उपवन बाग बगीचे खिल गए हैं और हर एक पेड़ की पत्तियों पर भी फूल खिल गए हैं। कि जिस तरह से राजा आता है, बसंत ऋतु के आगमन से उद्यानों और वनों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी फूल खिल गए हैं। कि जैसे बसंत कोई राजा का रूप लेकर आ रहा हो। सोई चतुरंग संग दल लइए तू है, और उसके साथ ही सारे जो फले फूले हुए पेड़ हैं वो राजा की चतुरंगिणी सेना के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। कि जैसे कि सोई चतुरंग संग, कि उसके साथ चतुरंग दल की सेना भी आ गई हो। सारे जो पेड़ पौधे हैं वो उसके साथ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। बंदी जी में बोलत विरद वीर कोकिल है, और बसंत में तोते और कोयलों के मधुर स्वर बंदी जनों की भांति सुंदर वृंदावली का गान करते हुए लग रहे हैं। बंदी जी में बोलत विरद वीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत। और ऐसा लग रहा है कि जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं वे भी उनका ही गुणगान कर रहे हैं। यानी एक तरह से ऋतुराज जो यहाँ पर बसंत है उसका गुणगान कर रहे हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सोने के सुगंध माज सने रही है तू है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतु राज कही है तू है। कि आस पास आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, कि आस पास से पुहपन यानी पुष्पों की सुगंध आ रही है। सोने के सुगंध माज सने रही है तू है, जो आस पास से जो उसकी खुशबू आ रही है वह इस तरह से लग रहा है जैसे सोने में सुगंध का काम कर रही हो। यानी वो उस कहावत को चरितार्थ कर रही हो, सोने में सुगंध माज सने रही है तू है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, और वसंत के आगमन से आसपास के फूलों में जो सुगंध आ रही है, जो सोने की सुगंध को भी दुगना आनंद प्रदान कर रही है। उससे सभी तरह के अनेक फूलों की सुगंध व्याप्त हो गई है। और सेनापति कहते हैं कि शोभा के समूह एवं सुखमय सुंदर साज समाज से युक्त ऋतुराज बसंत एक राजा के रूप में आवत बसंत ऋतुराज कहिए तो एक राजा की भांति आता हुआ सुशोभित हो रहा है। जिस प्रकार राजा आता है, राजा के आने पर क्या क्या होता है, उसकी चतुरंगिणी सेना आती है उसके साथ साथ, ठीक है ना, और जो बंदीगण है उसका वृंदावली गाते हैं, और आसपास उसके स्वर्णमयी खुशबू बिखर जाती है। तो इस तरह से सारे समाज उसी प्रकार लग रहा था कि जिस तरह से कोई राजा आता है उसी प्रकार ऋतुराज बसंत आया हुआ है। देख चिति अंबर।